आज की रेसिपीज है मटर पनीर, जो कि बहुत बढ़िया से, मतलब हर घर में मटर पनीर बनता है, लेकिन सबका तरीका अलग-अलग होता है बनाने का। हम बिना बटर आज डाले मटर पनीर बनाएंगे, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और मेरे तरीके से आप लोग भी बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा, और टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो और रेसिपी अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध उबालेंगे। ये पैन देखिए, हाफ पैन दूध है, इसको अच्छे से उबाल के साइड में रख देंगे। आप लोग सोचिएगा दूध क्यों उबाल रहे हैं, तो आप लोग को आगे पता चलेगा कि दूध क्यों उबाल रहे हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और हम सरसों तेल में तलेंगे। तो चलिए, हम जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक देखिए मटर, प्याज और ये धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ कट करके रख लीजिएगा। पहले से सब तैयारी करके रखने से बनाने में बहुत इजी होता है। तो कढ़ाई देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, जब तक हम लोग चॉपिंग कर रहे थे तब तक। तो अब हम इसमें सारा पनीर डाल देंगे और सैलो फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये आधा किलो पनीर है, सबको एक ही साथ में हम डाल दिए हैं। आप लोग चाहे तो अलग अलग करके डीप फ्राई कर सकते हैं, हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। और देखिए, जो दूध गर्म किए थे उस पे सारा पनीर जो है उसको निकाल के तेल को अच्छे से हटा के और डाल देना है गर्म दूध में, और ढक के जब तक पनीर बनेगा तब तक दूध में ही डला रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका दूध एब्जॉर्ब कर लेगा पनीर, और बहुत टेस्टी लगता है, अंदर पानी पानी नहीं लगता है, और आपका पनीर बहुत सॉफ्ट रहेगा। यही टिप्स था। पानी, गर्म पानी में भी बहुत लोग डालते हैं, उससे क्या होता है कि हल्का पानी पानी लगता है, ऐसे में बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी ऐसा ट्राई करके देखिएगा। अब जो तेल बचा हुआ था उसमें हम प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो क्या करेंगे हम आधा निकाल लेंगे, जो कि सब्जी में यूज करेंगे। अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे। और इसको भी हल्का भून लेंगे। अच्छे से टमाटर गल जाए इसलिए हम हाफ स्पून नमक डालेंगे। देखिए टमाटर हल्का पक चुका है, तब हम काजू और पोस्तों को आधा एक घंटा पहले फुला के रखे थे, तो इससे काजू निकाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पोस्तों पानी रहने देंगे, उसको बाद में डाल लेंगे, अभी पहले काजू को फ्राई करेंगे। अब ग्राइंडिंग जार में जितना भी फ्राई किया हुआ है सबको ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे।
और उसमें जो पोस्तो था, पोस्तो पानी, वो वाला डाल देंगे। कटोरा में हल्का पोस्तो था, उसको फिर से हिला के वो भी डाल देंगे। हाँ, अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों तेल, अब जितना भी खड़ा गरम मसाला है वो डालेंगे। तो सबसे पहले लौंग, 4 लौंग, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी का 2 लेंगे डंठल, वो इलायची डालेंगे, हरी इलायची और बड़ी इलायची, और जितना भी सारा खड़ा गरम मसाला है उसको अच्छे से चटकने देना है। और एक तेज पत्ता भी डालेंगे। और जितना वो कटोरा में हम प्याज निकाले थे ना, जो हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ था, उसी को डाल देंगे। अब जितना भी हल्का सा जब भुना जाएगा प्याज, हल्का ब्राउन टर्न ले हो जाएगा, तो जितना भी ग्राइंड किया हुआ था सब डाल देंगे। आप ध्यान दिए होंगे कि जितना भी फ्राई किए थे उसमें अदरक लहसुन नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे पास अलग से अदरक लहसुन का पेस्ट था। तो अभी मसाला डालने से पहले अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। आप लोग, अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो उस समय जब हम लोग फ्राई कर रहे थे सारा टमाटर प्याज काजू वगैरह, तो उसी समय आपको अदरक लहसुन भी फ्राई कर लेना है। अब सारा मसाला डाल देंगे। अच्छे से चला के मसाला को, जितना अच्छा मसाला भूजिएगा उतना अच्छा आपका सब्जी का टेस्ट होगा। अब जितना भी पाउडर मसाला रहेगा वो डालेंगे। ग्राइंडिंग जार में जितना भी पिसा हुआ बच जाता है उसको भी डाल देना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आधा से अधिक मसाला उसमें भी रह जाता है। अब नमक डाल देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, शाही पनीर मसाला, अब डालेंगे गरम मसाला, आप लोग अगर लाल मिर्च खाते होंगे तो ऊपर से लाल मिर्च भी ऊपर से डाल लीजिएगा, और टमाटो केचप डालेंगे। ये डालने से आपका जो शाही पनीर है, मटर पनीर, उसमें अलग सा स्वाद ऐड हो जाता है।
बहुत लोग चीनी डालते हैं मटर पनीर में, हम चीनी नहीं डाल के टमाटो केचप डालते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छे से लाल होते तक भूनना है। देखिए कितना अच्छे से मसाला भुन गया है। इसमें हल्का सा ऊपर से घी डाल देंगे, अच्छा टेस्ट आता है इससे। देखिए मसाला जब भुन जाता है तो कितना अच्छा तेल छोड़ने लग जाता है, तब समझ जाइए कि आपका मसाला भुन गया है। अब हम लो फ्लेम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब हम दही डालेंगे। आप लोग चाहे तो फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि दही डालते वक्त फ्लेम एकदम लो रहेगा, या फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका दही फटेगा नहीं। अब जितना भी मटर है सारा मटर को डाल देंगे और उसको भी कुछ देर भुनेंगे। इसका जो तेल छोड़ा है ना, मसाला वाला तेल, उसी में अच्छे से मटर भुन जाएगा। अब जितना भी दूध में पनीर था उसको डाल देंगे और कुछ देर उसको भी बॉईल आते तक चलाएंगे। हल्का सा पानी भी डाल दीजिएगा अगर आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए होगा तो। बिना बटर का हम शाही बटर पनीर बना दिए, मटर पनीर सॉरी, बहुत स्वाद लगता है। थोड़ा सा बस हम पानी डाले हैं, ऊपर से कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके डालिएगा, उससे टेस्ट अच्छा आता है कसूरी मेथी से। और जब बॉईल आ जाएगा तो जितना पनीर है, पनीर जो बच जाता है थोड़ा सा पनीर अलग से ऐड कर लीजिएगा, और उसको पनीर को भी क्रश कर लीजिएगा। और ऑफ करने से बस 20 या 30 सेकंड पहले पनीर को डालना है, क्रश किया हुआ, तब फ्लेम ऑफ कर देंगे। आपका शाही मटर पनीर बनके तैयार है। अगर मेरा रेसिपीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।